नमस्ते एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। बहुत दिनों से बच्चे लोग सोच रहे थे कि सर वीडियो नहीं बना रहे, और बहुत बच्चों के अंदर में क्यूरियोसिटी भी थी कि सर ये कैसे एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ओवरलैप करते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं या एंटी बॉन्डिंग करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे बच्चों के जो आज इस वीडियो में क्लियर हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यू कैन सी दिस बोर्ड, इन दिस बोर्ड आई हैव रिटन दैट हाउ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप्स अकर। स्पेशली ये चैप्टर हमें सिर्फ और सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स इसके बारे में हमें ज्ञान देगा, इसके बारे में हमें ये नॉलेज देगा कि किस तरह से पी ऑर्बिटल में जो तीनों ओरिएंटेशंस है 2px, 2py, 2pz, सिंस सेकेंड पीरियड से ये स्टार्ट होता है इसीलिए 2px, 2py, 2pz, किस तरह से ये ओरिएंटेशंस मोर एंड मोर डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि अगर कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करते हैं तो किस तरह से फॉर्मेशंस होते हैं। दो तरह के फॉर्मेशंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा नोडल प्लेन्स, याद है हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ा था, जहां पर एटम्स में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना के बराबर होगा, उस प्लेट को नोडल प्लेन्स कहते हैं, उस पॉइंट को नोडल पॉइंट कहते हैं, और वहां से जो डिवाइड्स होते हैं, कितने नोड्स का डेवलप होगा, वन नोड, टू नोड्स, वो जो नोड्स है वो यहाँ पर आज इस चीज को हम लोग बढ़िया से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आज जो आप पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्पेशली डिस्क्राइब्स अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स। अगर आप एस ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो एस एस ऑर्बिटल या फिर आपने सिमेट्रिकल एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ए सिमेट्री मतलब साइडवाइज या लेटरल वाइज जो ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये आप लोगों को प्रीवियसली पता होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए एस एस ओवरलैपिंग जब होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा ओवरलैपिंग करते हैं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये दो चीज को याद रखना कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव, जब भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, और जब भी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। याद रखना बच्चों, जब भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, और जब भी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर देख लीजिए, अगर हम ये 1s की बात करें, हाइड्रोजन का समझ लीजिए, दो हाइड्रोजन H2 एटम्स है, दोनों H2 का या फिर HH एटम्स है, उनका कैसे ओवरलैप होगा। तो हाइड्रोजन का ये जो है हमारा 1s1, ये भी 1s1, इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनेंगे, बॉन्डिंग जो फॉर्मेशन होगा, तो इस तरह का ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में इस तरह का फॉर्मेशन होता है, वो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 1s बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगर उसी सिग्मा वन में, अगर मान लीजिए जो ऊपर वाले जो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप्स होंगे उसी ऑर्बिटल्स में 1s1 1s1 दोनों में, तो ये जो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा वो आप देख लीजिए, यहां पर ये भी 1s1 है, इसमें क्या है, डिस्ट्रक्टिव में दोनों रिपेल करते हैं और कंस्ट्रक्टिव में दोनों एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये जब डिस्ट्रक्टिव होता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो इस तरह का वन नोड का फॉर्मेशन होता है, जहां पर एक आप देख लीजिए यहां पर ये जो है हमारा लोब्स, दो लोब्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर, सिंस दोनों डिस्ट्रक्टिव, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव लोब्स बनने लगते हैं, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ये सिग्मा ओवरलैप में हाइड्रोजन का, जब भी आप मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशंस बनाओगे या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बनाओगे, जैसे मान लो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरे हाइड्रोजन का एटम यहां पर, तो ये जब भी आप देखिएगा एनर्जी लेवल का, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ये हमारा
वन एस वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये वन एस वन का एंटी बॉन्डिंग जिसको सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई ओरिएंटेशन जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 1s1 है उसका ओरिएंटेशन इस तरह से है, और ये जो 1s1 है इसके अंदर में एंटी बॉन्डिंग, ये नीचे वाले ओरिएंटेशन को हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। कौन सा ऑर्बिटल्स? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग ओवरलैप ऑर्बिटल्स, और इसको हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप्स या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहां पर ये दो चीज जो आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के कारण ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। कंस्ट्रक्टिव में बॉन्डिंग होगा और डिस्ट्रक्टिव में एंटी बॉन्डिंग होगा, इतना याद रख लेना। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में आप देख लीजिए ये दो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों सिग्मा ऑर्बिटल्स का बॉन्डिंग हुआ और बॉन्डिंग होकर के इस तरह का फॉर्मेशन हुआ, दोनों ऐड होकर के यहां पर। और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में आप देख लीजिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो लोब्स का फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके अंदर में कोई भी पूछेगा आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर देयर इन डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप ऑफ वन एस, देन यू कैन सी देयर इज ओनली वन नोड। कितने नोड्स हैं? वन नोड। अब आ जाइए पीपी, जो पीएक्स पीएक्स ऑर्बिटल्स होते हैं उसका जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा आप देख लीजिए, सबसे पहले 2px 2py 2pz तीन ऑरिएंटेशंस होते हैं, जिसमें याद रखना है आपको जो जेड ऑरिएंटेशंस होता है उसका सिग्मा बॉन्डिंग होता है, और जो वाई और जेड मतलब वाई और एक्स का जो लेटरल ओवरलैप होगा उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक में सिग्मा का ओवरलैप होगा दूसरे में पाई का ओवरलैप होगा। तो कंस्ट्रक्टिव अगर 2pz 2pz की बात करें तो 2pz का आप समझ लीजिए नेगेटिव लोग, ये पॉजिटिव लोग, ये पॉजिटिव लोग, ये नेगेटिव लोग, दोनों कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो इस तरह का आपको फॉर्मेशन होगा। याद रखना कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में नोड्स नहीं होते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप्स में नोड्स होते हैं। तो देख लीजिए यहां पर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप्स में 2pz का 2pz जो नीचे में होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा 2px 2py 2pz और इधर भी 2px 2py 2pz, ठीक है। तो अगर आप देख लीजिएगा नीचे में 2pz होगा, फिर ऊपर में जो है 2px 2py हो जाएगा इस तरह से, वैसे ही यहां पे 2px 2py और ऊपर में जो है 2pz। तो आप देख लीजिए यहां पर ये जो 2pz है बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन जो है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप जो है 2pz का, यहां पे जब बॉन्डिंग तो इस तरह का आप देख रहे हैं यहां पर ये दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में आपको जीरो नोड्स, लेकिन डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप की बात करें वही एंटी बॉन्डिंग वाला जो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा 2pz का है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे तो इस तरह से वन नोड का फॉर्मेशन होगा। 2pz पे कितने नोड्स हैं? वन नोड्स। याद रख लेना बच्चों सिग्मा बॉन्डिंग एसएस ओवरलैप बॉन्डिंग नो नोड्स, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप सिग्मा बॉन्डिंग वन नोड्स, कंस्ट्रक्टिव ऑफ पी ओवरलैप बॉन्डिंग नो नोड्स, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप ऑफ 2pz देयर इज वन नोड। अब आ जाइए पीपी ओवरलैप ऑफ लेटरल और सिग्मा की बात करेंगे, तो उसी तरह लेटरल और सिग्मा दोनों यहां पे होगा। लेटरल में आप देख लीजिए अगर 2py को मैं मान रहा हूं, 2py या 2pz अब दोनों को इसी तरह से लेटरल और साइडवाइज होता है, तो 2py को आप देख लीजिए यहां पर ये दोनों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ओवरलैप कर रहे हैं बॉन्डिंग, तो इस तरह से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनेगा। कैसा बनेगा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और डिस्ट्रक्टिव की बात करें जब रिपेल करें एंटी बॉन्डिंग जब होगा तो यहां पर कोई पूछेगा आपको कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, तो नंबर ऑफ नोड्स 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने सीखा कैसे हम नंबर ऑफ नोड्स का डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी अभी जो मैं आपको कुछ भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो डायग्राम बनूंगा वो डायग्राम से आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा कौन कौन से एलिमेंट्स में ये 2pz नीचे रहेगा, 2py और 2px ऊपर, और किस में 2py और 2px नीचे और 2pz ऊपर। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, किस तरह से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से ऑर्बिटल एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से ऑर्बिटल एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करके एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, नोड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उस हिसाब से आप नंबर ऑफ नोड्स भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद
मैं आपको जो बताऊंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो याद कीजिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर जाके 2p, राइट। एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, ये आपको पता होगा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। आप जानते हैं एस में हमारे पास एक ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ। ये हमारा सिग्मा बॉन्डिंग होगा, 1s2, 2s2 और 2p, 1, 2, 3, 4 जो भी करेंगे हम लोग, इधर 1s2, 1s2 इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे इसमें, जो भी इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, ये हमारा यहाँ से ये बॉन्डिंग, नीचे वाले जितने भी होते हैं वो बॉन्डिंग ओरिएंटेशन, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, तो ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से अगर 2s की बात करोगे आप, 2s भी ऐसे ही होगा, अब आ जाइए 2p, 2p में 2px, 2py, 2pz। ये जो आप देख रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, ये जो मैंने बताया आपको एनर्जी इंक्रीजेस, थोड़ा इसको प्यार से सजाना है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, मैं आपको बहुत ही अरेंजली अरेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी डायग्राम समझने में दिक्कत ना हो। 1s के ठीक ऊपर में 2s होता है, ये हमारा बॉन्डिंग वाला हो जाएगा, थोड़ा ऊपर और कर दीजिए ताकि ये आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारा 2s हो गया, 2s का सिग्मा और ये 2s का सिग्मा स्क्वायर। अब आ जाइए 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। ये जो ऑरिएंटेशंस होंगे वो इस प्रकार से होंगे, जो 2py, 2pz। ये जितने भी हैं ये हमारे पाई हो जाएंगे, पाई बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो आप सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए क्या है ये एनर्जी लेवल का डायग्राम है, क्या है ये एनर्जी लेवल का डायग्राम।
इस एनर्जी लेवल के डायग्राम में अगर आप 1s2, 2s2, 2p1, 2p1 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिफ्थ एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोरन का कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो बोरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले 1s2 b2 का मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बनाना है, b2 मतलब बोरन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, किसका, बोरन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, b2 c2 n2 मतलब 5 6 7 और 8 9 10, इसका दोनों का अलग अलग होगा। याद रखना अगर आप बात करोगे किसी भी, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 14 होगी तो उसमें वो जो आप देख रहे हो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ग्रेटर देन 14, लेस देन 14 हमारा है। जब n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द एटम्स, b2 मतलब बोरन, दो बोरन के एटम्स जिसमें दोनों बोरन में 5 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 मतलब n से बड़ा है या छोटा है बताइए, n से छोटा है मतलब ये 14 से छोटा है हमारा, तो इस तरह का होगा। और अगर 14 से बड़ा हुआ तो देख लीजिए किस तरह का होगा, अगर 14 से बड़ा हुआ तो हाँ वन एस सिग्मा वन एस, टू एस सिग्मा और टू एस एन टी सी। और अब बात कर रहा हूं मैं, जब n की वैल्यू 14 से बड़ी होगी, 14 से बड़ी होगी मतलब n इज ग्रेटर देन 14, 14 के बराबर भी होगा तो इसको ले लो। अगर यहाँ पर 2px, 2py, 2pz का आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2pz यहाँ पर नीचे में आ जाएगा, 2py और 2px ऊपर चलेगा। ठीक वैसे ही एंटी बॉन्डिंग जो होगा वहाँ पर भी आप लोगों को याद रखना है 2px, 2py नीचे हो जाएंगे और 2pz का जो एंटी बॉन्डिंग है ये हमारा याद रखना तुम्हें सिग्मा है पाई पाई, ये पाई स्टार सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, तो ये 2p जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 14, n मतलब समझ रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो बोरन b2 बोल रहा हूँ तो बोरन का एटॉमिक नंबर 5, बोरन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, दो बोरन एटम 10, 10 क्या है 14 से छोटा है, 14 से स्मॉल। तो जब भी कोई भी दो एटम या किसी भी, जब 10 से 14 से छोटा होगा तो इस तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करोगे, अगर 14 से बड़ा हुआ तो इस तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करोगे। बस इतना याद रखना है कंसेप्ट में कि अगर हमारा n का वैल्यू इफ n इज लेस देन 14 देन जस्ट रिमेंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी अप, अगर n की वैल्यू 15 16 17 18 है तो पाई जो है हमारा वो ऊपर यहाँ पे नीचे, मतलब सीधा सीधे सिग्मा और सिग्मा स्टार को याद रखना, बस यहाँ पे सिग्मा जो है बीच में हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो बस इतना याद रख लेना, बाकी कुछ कंसेप्ट नहीं है। ये 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz, 2pz सिग्मा, 2px, 2py पाई, 2px, 2py पाई, इसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है। अब ये जो हो जाएगा b2, c2, n2 और देखो 10 12 14 टोटल, ये तीनों ऑर्बिटल्स के डायग्राम इस तरह से, और O2, F2 ये इस तरह से आ जाएंगे, O2, F2 मतलब ये O2 हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 18, तो n जो है 14 से ग्रेटर है इसीलिए इस तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा। तो ये था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम्स या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, किस तरह से किसी भी एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप्स डायग्राम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो आप लोगों को ये एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। हाँ, आप लोगों को स्केल से बनाना है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली हैंड से बना दिया है, स्केल लेकर के
एक एक ऑर्बिटल्स का यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके और स्केल से लेकर के इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ करना है. गॉट इट? चलिए अब मैं बनाता हूँ एक डायग्राम. ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2N2, जो भी आपको बनाना है, जिस तरह से बनाना है, कैसे निकालना है सारे, कितने बॉन्ड ऑर्डर्स होंगे, कैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ओवरलैप करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. बोरन से स्टार्ट करते हैं. बोरन का पहला इलेक्ट्रॉन जो है 2p में जाता है, इसीलिए बोरन से स्टार्ट कर रहा हूँ. बाकी आप लोगों को जिसका भी बनाना हो, जो भी ऑर्बिटल्स का डायग्राम बनाना हो, इजीली बन जाएगा. चलिए बोरन एटॉमिक नंबर, आपको क्वेश्चन था ड्रॉ एमओ डायग्राम ऑफ बी टू बोरन. बोरन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1. फिर दूसरा बोरन का भी एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1. समझ में आया या नहीं आया? समझ में, ये B2 का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. दोनों बोरन एटम्स हैं, एक बोरन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1, दूसरे का 1s2 2s2 2p1. अब इसका MO डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. 1s2 ये 1s2 और ये 1s2 ये हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी 1s2 1s2, तो ये सिग्मा स्टार. ठीक है, समझ में आया? ये 1s2 ये 1s2. अब आ जाओ 2s2. ये 2s2 और ये 2s2 दोनों होंगे. ऊपर वाला जो है यहाँ पे 2s2 और इधर भी 2s2, तो ये 2s2 इधर आ गया और ये 2s2 इधर चला गया. ये भी सिग्मा, ये सिग्मा स्टार. तो ये 1 सिग्मा था, ये 2 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार. समझ में आ गया? अब आ जाइए 2p1 2p1. ये याद रखना है आप लोगों को कि मैंने जैसे बताया था कि आपको काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके आप क्या बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10. तो 10 जो है n की वैल्यू 10 है, मतलब 14 से छोटी है. तो मैंने आपको बताया था PXY, PYZ और PXY, PYZ और PZX. तो इस तीनों का किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करें, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, ताकि एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने में हम लोगों को ईजी पड़े. यहाँ पर मैं बोरन का लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो. अब मान लीजिए ये मेरा 2p ऑर्बिटल और इधर भी जो है मेरा 2p. दोनों का सेम ड्रॉ करना है. तो अगर ड्राइंग अच्छा नहीं है, आप लोगों का ड्राइंग अच्छा होगा. बस खाली याद क्या रखना है बस आप लोगों को, कि ड्राइंग में एक चीज याद रखना है, px py pz कैसे ड्रॉ करना है.
ये भी 2p क्योंकि कलेक्टर 2px y z 2px y z। याद करो नीचे में कितने होंगे, मैंने बताया था अगर n की वैल्यू 14 या 14 से कम होगा तो याद रखना है आपको नीचे में सिग्मा वन होगा। क्या होगा नीचे में, मतलब नीचे में 2px 2py और ऊपर 2pz, 2px 2py नीचे में, 2px 2py नीचे में, और 2pz जो हो जाएगा वो इसके ऊपर। गॉट इट, समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पर भी आप 2px 2py और 2pz क्या हो जाएगा ऊपर। तो ये हमारे सिग्मा वाले, ये पाई वाले, 2p पाई वाले, 2pi 2pi 2 सिग्मा, ये 2 एंटी पाई 2 एंटी पाई और 2 सिग्मा का n। समझ में आ गया? तो आप देख लीजिए टोटल हमारे पास बोरन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये px py pz मैंने आपको बताने के लिए कहा था, तो 2p1 लेना है आपको, क्योंकि बोरन में देख लीजिए यहां पर 2p1 इधर भी है 2p1 इधर, तो टोटल दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके आपको बता देना है एनर्जी इंक्रीजेस, क्या लिखना है एनर्जी इंक्रीजेस। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू। बॉन्डिंग वाले मतलब सब नीचे वाले और ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग। अब बताइए नीचे में कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, और ऊपर में कितने हैं, 2, 2, 4, उसके ऊपर में तो है ही नहीं, 6 माइनस 4 बाई 2, 6 माइनस 4 का मतलब 2, 2 बाई 2 मतलब 1। तो बोरन बोरन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल। अब क्वेश्चन है इसका आप मैग्नेटिक नेचर बताइए, पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक। तो याद रखना जब भी किसी भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सिंगली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड नहीं होंगे, सिंगली होंगे, तो ये पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। अगर यही चीज पेयर्ड रहता, कोई पूछेगा मैग्नेटिक नेचर कैसा है, तो पैरा मैग्नेटिक। अगर ये दोनों पेयर्ड हो जाते, अगर यही चीज तुम ऑक्सीजन का निकालोगे तो ऑक्सीजन में ये ओरिएंटेशन नीचे आ जाता है, तो उसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन तो पहले नीचे में दो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तब ऊपर में जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको, जब एन की वैल्यू 14 से छोटी या 14 के बराबर रहेगा तो दो ओरिएंटेशन नीचे, अगर 14 से बड़ा रहेगा तो ये एक ओरिएंटेशन नीचे दो ओरिएंटेशन। समझ में आया? तो यहाँ पर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि सर मुझे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी कितना है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू म्यू एम, से उसको डिनोट किया जाता है अंडर रूट एम इंटू एम प्लस टू बी एम। बी एम का मतलब होता है बोर मैग्नेटिक, क्या होता है बोर मैग्नेटिक, अंडर रूट एम इंटू एम क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दो, बाकी तो सारे पेयर्ड हैं, तो एम की वैल्यू यहाँ पे 2 × 2 + 2 bm मतलब 2 × 4 bm, 2 × 4 = कितना होता है 8, अंडर रूट 8 bm को हम लोग प्योर रूट 2 भी लिख सकते हैं 2। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 2 × 1.414 दैट इज इक्वल टू 2.828 bm। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो गया, म्यू एम इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम, बोर मैग्नेटिक। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते। तो यहाँ पे मैंने B2 का किया है, अब मैं O2 का करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा किस तरह से यहाँ पर जो डबल नोड्स वाले हैं वो ऊपर जाएंगे और सिंगल नोड्स वाले नीचे आएंगे, मतलब 2p2 सिग्मा जो है 2pz जो है, याद रखना ये सिंगली को 2pz कहा जाता है, 2px 2py, ठीक है। तो ये B2 का है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं आपको O2 का डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँ। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ये बहुत ईजी है, इसको दिमाग में ज़्यादा बाहरी करके नहीं चलना है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये लेकर के चलना, और मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए,
फिर से एक बार आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे O2 का डायग्राम ड्रॉ करें। लेट्स स्टार्ट। किसका डायग्राम ड्रॉ करना है? ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2। O2 मतलब दो ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p4, इसका भी 1s2 2s2 2p4। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देख लीजिए यहाँ पर s ऑर्बिटल ड्रॉ कर दीजिए, सेम यहाँ पर s ऑर्बिटल 1s, ये हमारा 1s बॉन्डिंग, ये 1s एंटी बॉन्ड, 1s2 1s2, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो दो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और दो एंटी बॉन्ड, पहले नीचे वाला बढ़ेगा उसके बाद होगा। अब आ जाइए 2s2, ये 2s2 और इधर भी 2s2, तो ये भी जो है सिग्मा और ये एंटी सिग्मा, मतलब बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार। अब आ जाइए 2p4। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया है यही चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 2p4, 1 2 3 2p4, ये भी है 2p4। तो मैंने आपको बताया था कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 50, अगर n की वैल्यू 15 से बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए? उस समय में ये z वाला जो ऑरिएंटेशन है वो बॉन्डिंग में नीचे और एंटी बॉन्डिंग में ऊपर, बस इतना याद रखना है। हमेशा याद रखना जब भी n की वैल्यू n इज ग्रेटर देन 40 तो क्या होगा, जो सिग्मा है हमारा मतलब सॉरी जेड वाला ऑरिएंटेशन जो है वो एक नीचे और उधर दूसरे में, मतलब इधर जो है जेड नीचे आ जाएगा, उसमें क्या था जेड ऊपर था, इसमें जेड क्या है नीचे है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी मतलब पाई वाला जो है वो ऊपर और सिग्मा वाला नीचे, याद रखें। तो ये 2 सिग्मा है, ये 2 पाई है, 2 पाई, ये 2 पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग है और ये 2 सिग्मा। अब आपको पता करना है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके क्या लिखना है, एनर्जी इंक्रीजेस, क्या लिखना है एनर्जी इंक्रीजेस। और अगर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो बताइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6, 10 - 6/2, 10 - 6 4/2 इज इक्वल टू 2। इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। अगर मान लो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो म्यू एम इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 bm, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनपेयर्ड है देख लो, 2 अनपेयर्ड है, वही सेम वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 + 2 bm, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 8 bm, 2 × 1.414 bm, that is equal to 2.828, right? तो इस तरह से हम लोग सेम होमो वाला बताया, हाँ होमो, अभी सिर्फ मैं होमो बता रहा हूँ, हेट्रो में भी हो सकता है। अगर मैं तुमको बोलूँ
सी एन साइनाइड का निकालो, तो उसमें भी तुमको गिनना है सी मतलब कार्बन, कार्बन क्या 2p2 2p1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लेना है। और उसके बाद ये वर्ड याद रखना है, एन अगर 14 से ग्रेटर होगा तो सिग्मा नीचे एंटी सिग्मा ऊपर, अगर स्मॉल होगा तो सिग्मा ऊपर। बस एक ही चीज, खाली डिफरेंस क्या होता है इसका, उस ऑरिएंटेशन में भी देखा होगा तुमने कि वो ऊपर है, बस इतना दिमाग लगा लेना है तो तुम्हारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, N2C2VE2 का डायग्राम ड्रॉ करो, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो N2C2 और VE2। ओके हो जाएगा तुम लोगों को, नाइट्रोजन कार्बन और बेरिलियम डाईटोमिक मॉलिक्यूल का तुम लोगों को मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना, होगा या नहीं होगा बता, नहीं होगा तो बता देना, फिर अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत आएगी तो मुझे बता सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रहा है। बस ये फॉर्मूला याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB-NA/2। ओके मेरे ख्याल से समझ रहे हो सब लोग, अगर फिर भी दिक्कत है, इफ यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टीज देन यू कैन पुट इन टू द कमेंट बॉक्स सेक्शन। बहुत बच्चों ने कहा था सर प्लीज़ एक्सप्लेन इन हिंदी, इसीलिए हिंदी में बना रहा हूँ, अदरवाइज आई कैन मेक इन इंग्लिश ऑल्सो, यू नो वेरी वेल दैट आई नो इंग्लिश राइट। चलिए आगे बढ़े हम लोग, एक CO में बताऊंगा, CO कार्बन और ऑक्सीजन हेट्रो, ये सब अभी तक होमो था, अभी हेट्रो डायटोमिक कर रहा, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO। CO CO का मतलब क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एलिमेंट का लिखना है, कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p2 और इसका 1s2 2s2 2p4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8, 6, 14 मतलब क्या होगा 14 मतलब याद करो मैंने 14 में बताया था सिग्मा नीचे होगा या ऊपर, सिग्मा ऊपर हो जाए राइट। अब बनाते हैं हम लोग सबसे पहले 1s2, सिग्मा 1s2 एंड अब आ जाइए 2s2, ये 1s2 कार्बन का और 1s2 ऑक्सीजन का, अब 2s2 आ जाइए, 2s2 कार्बन का 2s2 ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा हमारा 2s2 सिग्मा 2s2 एंड अब आ जाइए यहाँ, ये और ये सबसे मेन होता है प्योर हाइड्रोजन, अब ये कार्बन में है, यहाँ पर कितना है 2p2 है, तो ये 2p2 हो गया, और ऑक्सीजन में कितना है 2p4 है, तो 1 2 3, यहाँ पर मैंने बताया था अगर आपका एन का वैल्यू 14 होगा तो बस खाली याद क्या रखना है, क्या याद रखना है सिग्मा जो पाई वाला है वो ऊपर होगा, सिग्मा पाई वाला क्या होगा ऊपर, बस इतना ही याद रखना, ये ऊपर बस ये, तो ये हमारा 2π2π2 सिग्मा बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग में भी वैसे 2π एंटी बॉन्डिंग 2π एंटी बॉन्डिंग और 2 सिग्मा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देना है, लाइन ड्रॉ करके क्या लिखना है एनर्जी इंक्रीजेस, इसके बाद क्या निकालना है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB-NA/2, NB का मतलब
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो Nb माइनस Na बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 to 4 to 6 to 8 to 10, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 to 4, ऊपर में तो है ही नहीं, 10 minus 4 by 2 कितना हो जाएगा 6 by 2, राइट, 6 by 2 का मतलब हो गया 3, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर तुमको मैग्नेटिक नेचर निकालना है तो म्यू एम इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम होता है, बोर मैग्नेट है, जहाँ पे एन क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 0, 0 मतलब कोई भी पेयर्ड है मतलब अनपेयर्ड है ही नहीं, ये कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक, तो CO क्या है डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकाल सकते हो, CO ठीक है, NO, N2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस, CN माइनस, CN प्लस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तीन और दे देता हूँ, आठवां हो गया हमारा N2 2 माइनस, नाइन्थ हो गया O2 2 माइनस, और टेंथ हो गया CN 2 माइनस, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये 10 क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस, CN माइनस, CN प्लस, N2 2 माइनस, O2 2 माइनस, CN 2 माइनस, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स के मतलब 10 मॉलिक्यूल्स के आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है, और मुझे विश्वास है आप लोग ड्रॉ कर लोगे। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है साफ साफ तो मैं क्वेश्चन अलग से लिख देता हूँ, टेंशन मत लो, आप लोग यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आपके होमवर्क्स हैं, होमवर्क थोड़ा बढ़िया से करके आना है। चलो होमवर्क लिख लो सब लोग, लिख लो होमवर्क फर्स्ट, ये आपके होमवर्क्स हैं, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ, ओके, ये आपके होमवर्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 CO, क्वेश्चन नंबर 2 NO, क्वेश्चन नंबर 3 N2 प्लस, क्वेश्चन नंबर 4 N2 माइनस, क्वेश्चन नंबर 5 O2, क्वेश्चन नंबर 6 O2 माइनस, क्वेश्चन नंबर 7 O2 प्लस, क्वेश्चन नंबर 8 CN माइनस, क्वेश्चन नंबर 9 CN2 माइनस, क्वेश्चन नंबर 10 O2 2 माइनस, ये 10 क्वेश्चन आपको बना के आना हो जाएंगे, और भी बनाना हो आप लोगों को तो इच्छा आपकी है CN प्लस कर सकते हो, उसके बाद आप लोग BC कर सकते हो, बोरन कार्बन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 बोरन नाइट्रोजन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 O2 3 माइनस कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15 O2 प्लस कर सकते हो, इतना तुम लोगों को करो, O2 डबल प्लस, एक प्लस तो दिया हुआ है, तो ये 15 क्वेश्चंस है आप लोगों को, ये सारे के सारे 15 क्वेश्चंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे लिखें कि सर मुझे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बिल्कुल समझ में नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन वहीं से स्टार्ट करूँ जहाँ से मैंने इस वीडियो में स्टार्ट किया था, और उस पर बेटरली आपको जितना ईजी से ईजी लेवल होगा वहाँ से स्टार्ट करें। तो ये था हमारा आज का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, होप ऑल ऑफ यू आर सेफ, प्लीज कीप योर फैमिली सेफ एंड योरसेल्फ सेफ, थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।